नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के सबसे चर्चित लोकसभा सीट पूर्णिया की। पूर्णिया में दो प्रमुख दावेदार इन दिनों चर्चा में हैं। ये दोनों दावेदार महागठबंधन से जुड़े हुए हैं, पप्पू यादव और बीमा भारती। पप्पू यादव हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वे अपनी पार्टी जाप का विलय कर दिया है कांग्रेस में। इधर जदयू छोड़कर आरजेडी का टिकट सिंबल पर चुनाव लड़ रही बीमा भारती ने भी इस सीट पर दावा किया है। आरजेडी की ओर से बीमा भारती को सिंबल दे दिया गया है। कांग्रेस यहां से अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। ऐसा कांग्रेस की ओर से कल यानी शुक्रवार को जारी लिस्ट में भी कहा गया है कि पूर्णिया आरजेडी के कोटे में है। लेकिन पप्पू यादव, जो कि हाल ही में अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय किया और कांग्रेस का दामन थामा, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे ही वहां से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के सीनियर नेता यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी इसको लेकर बात हुई है। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे उनके साथ हैं, इसलिए हम 2 तारीख को यहाँ नॉमिनेशन करेंगे। यह पूछने पर कि क्या आप कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी आपको 2 तारीख को पता चलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं पप्पू यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो। पूर्णिया के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथियों ने 2 तारीख को नामांकन करने का आग्रह किया। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व के आदेश को। पूर्णिया की जनता का प्रस्ताव केंद्र नेतृत्व को हमने अपनी भावना बता दी है और 2 तारीख को ही टेंटेटिव नॉमिनेशन का डेट है। 2 तारीख को टेंटेटिव प्रस्तावित डेट है। लेकिन आप बोल रहे हैं सर कि 2 तारीख को नॉमिनेशन का, कांग्रेस पे आप बोल रहे हैं, कांग्रेस ने 9 सीट का घोषणा कर दिया। आज प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पप्पू जी महागठबंधन के साथ में कांग्रेस के अंग हैं, तो महागठबंधन के प्रत्याशी को वहाँ पे मदद करनी चाहिए। तो उनका घर का देखिए, मैं किसी पर कोई बात, सबको अपना बात रखने का। हम इतना जानते हैं कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को मैंने अपनी भावना, तो 2 तारीख को क्या निर्दलीय नामांकन करेंगे या कांग्रेस से करेंगे या जाट से करेंगे? जब हम नामांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस छाप से नामांकन करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव, मैंने आपको पहले ही कहा, मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा हो, जनाधिकार पार्टी का विलय दोनों ने कैसे हुआ है सर? के मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा हो, कैसे मुमकिन है ये जी? कैसे मुमकिन है सर ये? अब ये इस बात को लेकर के आपको पूछना होगा केंद्रीय नेतृत्व सर। लेकिन मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा, लेकिन वो तो साफ कह रही है कि आरजेडी का सीट है वहाँ पर। मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा, ये फाइनल है। मेरा अधिकार अपने नेता पर है और मुझे उम्मीद है जो अधिकार मेरा है, नेतृत्व का आशीर्वाद हमें मिले। अगर कांग्रेस उस समय अगर तैयार नहीं होती तो क्या निर्दलीय करेंगे अपना मांग? फिर जनता को तय करने देंगे। जनता तो कल भी तय की हुई है, आपकी गाड़ी के काफिलों को रोका है, काफी देर तय करने देंगे क्या होगा। 2 तारीख को प्रस्तावित नामांकन का डेट लगभग फाइनल। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं।